नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। गोवर्धन क्षेत्र के गांव हरिपुरा में तेज बारिश के कारण एक मकान भरभराकर गिर पड़ा। इसके अंदर मौजूद एक बछड़े की मौत हो गई तो वही एक गाय और पड़िया घायल हो गए। यह बारिश और तूफान कई लोगों की जीविका पर भारी पड़ा है। राजू के परिवार की जीविका का यही साधन है और ऐसे में बारिश के कारण गिरे मकान से जहां बछड़े की मौत हो गई, वहीं गाय के घायल होने के कारण परिवार की जीविका पर भी बड़ा असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? राजुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? हरिपुरा। क्या घटना हुई है? ये मकान गिर गया था सुबह 8 बजे करीब। कैसे? ऑटोमेटिक बारिश से। कोई नुकसान है? नुकसान गाय बछड़ा मारा गया, गाय के चोटे सिंह टूट गए दोनों और पड़िया के दोनों सिंह टूट गए, पड़िया के ज्यादा चोटे। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में जहां एआरटीओ कार्यालय में दलाली प्रथा अपनी चरण पर दिखाई पड़ रही है, वहीं कोरोना काल में विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति में तथाकथित दलालों ने खुद को साहब घोषित कर दिया है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर से शांत दिख रहा जनपद का एआरटीओ विभाग कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच दलालों की गिरफ्त में बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मामला जनपद महोबा के आरटीओ विभाग का है, जहां हमेशा से दलालों की दलाली प्रथा को लेकर अपने चरम पर दिखाई पड़ रहा है। वहीं कोरोना काल में विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति में तथाकथित दलाल खुद ही साहब बनकर जमकर कमाई कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की लाख दावों के बीच ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से सामने आया है, जहां एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का दीमक विभाग को खोखला करने में लगा हुआ है। जिले के आला अधिकारी मामले में सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं, जबकि विभाग में लगे सीसीटीवी कैमरे केवल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जिले का एआरटीओ विभाग दलालों से साठगांठ के मामले में हमेशा चर्चा में रहा है, जबकि पूर्व में जिलाधिकारी सहदेव के द्वारा इस प्रथा पर अंकुश लगाने की एक कोशिश की गई थी। तब से अब तक किसी अधिकारी ने इस ओर कोई जहमत उठाना उचित नहीं समझा। गौरतलब है कि दलाल और दलाली प्रथा पर अंकुश लगाना कभी संभव हो पाएगा। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। आइए अब एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। जुआ के अड्डों को संचालन के लेकर कन्नौज का नाम प्रसिद्ध है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कन्नौज के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जुआ संचालन होता है, जिसमें दूसरे शहरों से भी लोग जुआ खेलने आते हैं, जिसमें उन्हें सारी व्यवस्थाएं व सुरक्षा की जवाबदारी दी जाती है। इन्हीं चर्चाओं की सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह को दी, जिस पर सूर्यकांत शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम की निरीक्षक लीला सोलंकी, निरीक्षक महेंद्र सिंह परमार, उप निरीक्षक सज्जन सिंह मीना, उप निरीक्षक चिंतामणि चौहान, आरक्षक लोकेंद्र, आरक्षक ब्रजभूषण, सैनिक पंकज बोंदिया ने पुलिस थाना कन्नौज अंतर्गत ग्राम रायपुर के जंगल में घेराबंदी कर ताश के पत्तों पर दाव लगा रहे आरोपी इशाक पिता महबूब, खाजू पिता मम्मू शाह, इकबाल पिता मुंशी, पपीन पिता प्रहलाद बानीबाल, यतीन्द्र हमजू, जयंत अग्रानी संतोष निवासी विक्रमपुर, अवसर पिता अशीक अकबर निवासी रायपुरा को रायपुर के जंगल में दबिश देकर पकड़ा, जो ताश पत्ती पर रुपए के पैसे से हार जीत का दाव लगा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से ताश पत्ती, नकदी 14,885 रुपए, 8 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल फोन सहित करीबन 3 लाख रुपए की पुलिस द्वारा जब्ती बताई गई है। दबिश के दौरान मुख्य सरगना पप्पू सरदार निवासी काला पाठा फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर शिवदयाल सिंह पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डॉक्टर शिवदयाल सिंह पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम ने खातेगांव में होटल में लाखों रुपए नकदी के साथ जुआ पकड़ा। विशेष पुलिस कार्रवाई बतौर न्यायालय में पेश करने पर समस्त जुआरियों को जेल भेजा गया था। भरोसा थाना क्षेत्र के नेवरी फाटा के समीप खेत में जुए अड्डे पर दबिश देकर कार्रवाई की गई थी। बुधवार को कन्नौज थाना क्षेत्र में रायपुरा के जंगल में चल रहा जुए के अड्डे पर 100 किलोमीटर दूर से पुलिस अधीक्षक की स्पेशल टीम व थाना कन्नौज के द्वारा संयुक्त छापामार कार्रवाई को लेकर जुआ संचालन कर रहे सरगनाओं में हड़कंप मचा हुआ है। थाना कन्नौज की टीम ने
रायपुरा के जंगल में जुआरियों को पकड़ा है, जिसमें 10 जुआरियों के कब्जे से करीब 15,000 रुपये नगद, उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और 11 मोबाइल फ़ोन, कुल 3,00,000 रुपये कीमती का हमने मसरूका जब्त किया है। इसका जो मेन सरगना है काला फाटा का रहने वाला पप्पू सरदार, वो फरार है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और सभी को हमने सभी के खिलाफ प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। सर क्या कारण रहे सर, पुलिस एसपी द्वारा यहाँ पर विशेष टीम के द्वारा सर एक दल गठित करके कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसमें इनका जो लोकेशन लिया जाता है और विशेष टीम जो विशेष जुआड़ी है इस क्षेत्र के, उनके मोबाइल नंबर को हम उस सर्चिंग में रखते हैं और उस टीम के द्वारा जब इस तरह की सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस की मदद से इन जुआड़ियों को पकड़ा जाता है। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुवे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।